हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो सो दैट न्यू वीडियो नोटिफिकेशन रीच यू फर्स्ट। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू क्लास सिक्स चैप्टर 12 इंडिया फ्रॉम 600 बीसी टू 400 बीसी। लेट्स स्टार्ट किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स। आज जो है हम पढ़ेंगे कि भारत में 600 बीसी से 400 बीसी तक जो टाइम था उसमें जो हमारे किंगडम्स थे और जो रिपब्लिक्स थे वो कैसे थे। ठीक है, मतलब हमारे राज्य जो थे वो किस तरह के थे, वहाँ पे प्रशासन किस तरह का था। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेवरल इम्पॉर्टेंट रिपब्लिकन एंड मोनार्किकल स्टेट्स इन नॉर्दर्न इंडिया नोन एज जनपदास अराउंड 600 बीसी। क्या है कि 600 बीसी से पहले का जो टाइम था वहाँ पे इंडिया में जो भी हमारे रिपब्लिकन स्टेट थे या मोनार्किकल स्टेट्स थे हमारे उत्तर भारत में, नदरन इंडिया मतलब हमारे जो उत्तर भारत में जो भी स्टेट्स थे उनको जनपद के नाम से जाना जाता था। मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और ये जो पीरियड था वो हमारी भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण समय की जो है वो शुरुआत को इंडिकेट करता है। द मोर पावरफुल स्टेट्स अमंगस दिस वर कॉल्ड महाजनपदास। अब क्या है कि इसमें जो जनपद थे इसमें जो बहुत ही शक्तिशाली जो स्टेट्स थे उनको क्या कहा जाता था, महाजनपद। यहाँ आपको नीचे कॉलम में एक लिस्ट भी दी गई है जहाँ पे कितने जनपद जो है वो दिखाए गए हैं, 16। मतलब जो 16 जनपद थे वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। जनपद या महाजनपद आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अभी करंट टाइम में जो प्रेजेंट टाइम है तो हमारे जो भी स्टेट्स हैं उनको स्टेट कहते हैं, तो जब 600 बीसी का जब टाइम था तो इन्हीं स्टेट्स को जो है वो महाजनपद कहा जाता था। तो उस टाइम पे जो जो स्टेट्स थे मतलब जो जो महाजनपद थे उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद थे। ये आपने लर्न भी करने हैं क्योंकि ये आपको पेपर में भी आ सकते हैं। फर्स्ट है आपका अंग, काशी, बज्जी, चेदी, कुरु, यहाँ पे कुरु आएगा, ए नहीं आएगा, यू आएगा, यहाँ पे कुरु, मत्स्य, अस्मका, गंधारा, मगधा, कौशल, मल्ला, वत्सा, पंचाला, सुरसेना और अवंती और लास्ट है कम्बोज। आगे है आपका द बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर गिव्स देयर नंबर एज 16 थ्रू विच दे केम टू बी नोन एज सोडर्स जनपदा। कि जो बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर है, लिटरेचर होता है साहित्य, मतलब जो भी बौद्ध धर्म के जो लोग हैं या जैन धर्म के जो लोग हैं उन्होंने जो अपने बुक्स लिखी हैं उनमें इन जो ये महाजनपद हैं इनकी संख्या जो है वो 16 बताई है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, किस तरह से जाना जाता है, सोडस जनपदा। सोडस जो है वो संस्कृत का वर्ड है, 16 को सोडस कहते हैं संस्कृत में और जनपद मतलब जनपद। ठीक है, द मोर इम्पोर्टेंट अमंगेस्ट दीज वर काशी, कौशल, अंग, वत्स, अवंती एंड मगधा। अब इनमें भी क्या है जो सबसे इम्पोर्टेंट थे वो कौन कौन थे, काशी, कौशल, अंग, वत्स, अवंती और मगध थे। देयर कैपिटल्स वर लोकेटेड एट वाराणसी, अयोध्या और सकेता, चंपा, कौशाम्बी, उज्जैन एंड राजगृह रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का यहाँ पे मतलब है कि जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट जो है वो काशी जनपद है तो इसकी जो कैपिटल है वो वाराणसी है, कौशल की अयोध्या है, अयोध्या को पहले सकेता भी कहा जाता था, अंग अंग की चंपा है, वत्स की कौशाम्बी है, अवंती की उज्जैन है और मगध की राजगृह है। अमंगेस्ट द रिपब्लिक्स मल्ला एंड वज्जी वर फेमस। और जो हमारे रिपब्लिक्स थे उसमें कौन से जनपद फेमस थे, वो थे मल और वज्जी, फेमस होता है प्रसिद्ध। द वज्जी रिपब्लिक कंप्राइज्ड ऑफ 8 क्लेन्स। ठीक है, जो मतलब वज्जी रिपब्लिक था, जो वज्जी गणराज्य था उसमें कितने क्लेन्स थे, 8 क्लेन्स थे। द लिच्छवीज ऑफ वैशाली वर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल क्लेन्स ऑफ द वज्जी रिपब्लिक। वज्जी रिपब्लिक में भी जो लिच्छवी थे वैशाली के वो सबसे ज़्यादा पावरफुल क्लेन थे। ठीक है, द अदर महाजनपदास वर कुरु, पंचाला, मत्स्य,
सुरसेना, अस्मका चेदी, गंधारा एंड कंबोज, ठीक है। बाकी जो भी बचते हैं महाजनपद वो कौन कौन थे, ये सारे थे, ठीक है। दीज स्टेट्स ऑफन हैड मैरिज रिलेशंस अमंगस देम, वट वर आल्सो फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर सुप्रीमेसी। क्या है कि ये जो भी जनपद थे, क्लेन्स थे, इनके आपस में मैरिज रिलेशन थे, मतलब एक दूसरे के यहाँ अपनी बेटियों की शादी वगैरह करते रहते थे, परंतु फिर भी जो है वो सुप्रीमेसी होता है पावर, ठीक है। पावर के लिए जो है वो एक दूसरे के साथ जो है लड़ते रहते थे हमेशा ही, ठीक है। आपको यहाँ पे इंडिया का मैप दिया गया है महाजनपदों का, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंबोज है, गंधार है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो कंबोज है वो अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान में पड़ता है हमारा, और गंधार भी, ठीक है। ये आपकी रिवर्स जो है वो दी गई है। कुरु जो जनपद था वो यहाँ पे है। इस तरह से आपने इस पूरे मैप को जो है अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे द राइज ऑफ मगध, ठीक है। मगध जो महाजनपद था वो सबसे पावरफुल था और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, तो हम जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। राइज मतलब उत्थान, मगध का किस तरह से जो है उत्थान हुआ, वो किस तरह से पावर में आया। अमंगस्ट ऑल द महाजनपदास मगधा कौशल वत्सा एंड अवंती वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब जितने 16 महाजनपद थे उसमें से मगध कौशल वत्स अवंती ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। मगध विच कंप्राइज ऑफ द एरियाज ऑफ पटना एंड गया इन बिहार विकेम मोस्ट पावरफुल इन द टाइम ऑफ इट्स रूलर बिंबिसारा ऑफ हिरण्य डायनेस्टी, ठीक है। जो मगध है जो कंप्राइज करता है, मतलब उसमें कौन से एरिया को वो कवर करता है, वो करता है पटना और गया, बिहार में जो पटना और गया है वहाँ पे मगध राज्य जो है वो फैला हुआ था, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कब बना, जब इसका राजा कौन था, बिंबिसार था, जो कि हरंक्य डायनेस्टी से था। ही रूल्ड फ्रॉम 543 टू 492 BC। इसने जो है कहाँ तक रूल किया है, 543 से 492 BC तक। एंड वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ द बुद्धा, ठीक है। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, मतलब जब बुद्ध का समय था, जब बुद्ध जो है वो मतलब रह रहे थे, उसी टाइम जो है ये बिंबिसार राजा जो है वो राज कर रहा था। हिज कैपिटल सिटी वॉज राजगृह नियर नालंदा, और इसकी राजधानी कहाँ थी, मतलब मगध की राजधानी राजगृह में थी, जो कि नालंदा के नजदीक है। ही सन अजात शत्रु एक्सपेंडेड द किंगडम बाई डिफीटिंग काशी कौशल एंड वैशाली एंड मेड पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना कहते हैं उसको, एज हिज न्यू कैपिटल, ठीक है। अब जो अजात शत्रु था, बिंबिसार का पुत्र, उसने अपने राज्य को और एक्सपेंड किया। एक्सपेंड होता है फैलाना। कैसे फैलाया उसने अपने राज्य को, डिफीटिंग काशी, डिफीट होता है हराना, उसने काशी जनपद को हराया, कौशल को हराया, वैशाली को भी हराया, और क्या किया इसने, अब अपनी जो कैपिटल थी न्यू कैपिटल उसको पाटलिपुत्र में जो है उसने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा धनानंद के बारे में बताया गया है। धनानंद वाज द लास्ट नंदा किंग। अब एक नंदा डायनेस्टी भी उस टाइम रूल कर रही थी, और जो धनानंद था वो इस डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर था। ही वॉज क्रेडिटेड विद हैविंग एन आर्मी ऑफ 2 लाख इन्फेंट्री, 20,000 कैवेलरी, 3,000 एलिफेंट्स एंड 2,000 चैरिट्स, ठीक है। अब क्या है कि इसके पास 2 लाख की जो सेना थी वो मतलब पैदल सेना सैनिक थे उसके पास, 20,000 जो थे वो उसके पास घुड़सवार थे, ठीक है, और जो 3,000 उसके पास हाथी थे और 2,000 उसके पास रथ थे, मतलब उसके पास इतनी बड़ी जो है वो सेना थी। विद ऑल हिज मिलिट्री स्ट्रेंथ ही लैक्ड पॉपुलैरिटी। अब क्या है कि उसके पास इतनी सारी सैनिक शक्ति थी, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेंथ मतलब सैनिक शक्ति उसके पास बहुत थी, फिर भी लैक्ड पॉपुलैरिटी, लैक होता है कमी होना, ठीक है, मतलब उसकी जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कमी थी, मतलब वो इतना पॉपुलर राजा नहीं था इतना सब कुछ होते हुए भी। ड्यू टू हिज लव ऑफ वेल्थ विच ही अकमुलेटेड बाई मीन्स ऑफ एक्सेसिव टैक्सेशन ऑन हिज पीपल, ठीक है। क्यों नहीं थी इसकी पॉपुलैरिटी, क्योंकि
ये जो था वो पैसे से बहुत प्यार करता था, जो कि उसने कैसे कमाया हुआ था अपने लोगों पर एक्सेसिव टैक्स लगा के। एक्सेसिव होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के जो है इसने इसको इकट्ठा किया था। एक्युमुलेटेड होता है इकट्ठा करना। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मगधा रिमेन द मोस्ट पावरफुल स्टेट एंड ग्रेजुअली मगधा बिकेम अ विग एम्पायर, ठीक है। और इसी टाइम से जो है मगधा जो है वो शक्तिशाली राज्य रहा आगे तक भी, और ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे मगधा बिकेम अ विग एम्पायर, ठीक है। और मगध जो है एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। विकम होता है बनना, एम्पायर साम्राज्य। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे। अजात शत्रु रूल्ड फ्रॉम 492 टू 460 BC। अजात शत्रु जो बिंबिसार का बेटा था उसने 492 से लेके 460 BC तक जो है वो रूल किया। ये जो BC है ये इसका मीनिंग है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, मतलब जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे पहले के जो ईयर्स हैं उसके बारे में हम हिस्ट्री जो है यहाँ पे देख रहे हैं। After his death, two more dynasties, Shishunaga and Nanda, ruled over Magda. अब इसकी डेथ के बाद जब अजातशत्रु की डेथ हो जाती है तो उसके बाद दो और डायनेस्टीज जो हैं, डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, ठीक है, मतलब जो वंश है जैसे पहले अजातशत्रु का था उसके बाद जो है दो और वंश थे, उन्होंने यहाँ पे रूल किया मगध के ऊपर, और वो कौन कौन थे, शिशुनाग और नंदा। नंदा के बारे में हमने ऊपर पढ़ा, जो लास्ट रूलर था वो धननंद था, लेकिन अभी हम इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट रूलर के बारे में देखेंगे। द हरंक्य डायनेस्टी वाज सक्सीडेड बाय द शिशुनागा डायनेस्टी इन 414 BC, ठीक है। क्या है कि जो हरंक्य डायनेस्टी थी उसको सक्सीड कर लिया, उसको मतलब छीन लिया किसने, शिशुनाग डायनेस्टी ने। कब छीना, 414 BC में। द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, इन्होंने जो है कैपिटल को फिर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। द शिशुनाग वर ओवरथ्रोन बाय द नंदास, और शिशुनाग थे उनको जल्दी ही ओवरथ्रोन कर लिया, मतलब जहां पे शिशुनाग ने डायनेस्टी ने अधिकार किया हुआ था उस थ्रोन को, थ्रोन होता है सिंहासन, उस सिंहासन पे अधिकार कर लिया नंदा डायनेस्टी ने, नंदा के वंश ने। आगे है महापद्म नंदा वाज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, ठीक है। नंद डायनेस्टी में सबसे फेमस जो रूलर था, सबसे प्रसिद्ध शासक महापद्मानंद था। द नंदास ब्रॉट द एंटायर गैंगटिक प्लेन अंडर देयर कंट्रोल, और जो नंद लोग थे, नंद वंश के जो राजा थे, उन्होंने एंटायर होता है सारा, गैंगटिक प्लेन मतलब जो भी गंगा के किनारे के जितने भी प्लेन थे, जितने भी मैदान थे, उनको उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे द पॉलिटिकल लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब इस टाइम की जो ये पीरियड चल रहा था इस टाइम में लोगों का जो पॉलिटिकल लाइफ थी, जो राजनीतिक उनका जीवन था और जो प्रशासन था वो कैसा था। ओके, सेवरल वीक सिटीज नॉन एज पुरास नगरास और महानगरास केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, कि सेवरल होता है कई, ठीक है, कई बड़े शहर जो है वो जैसे कि पुरास नगरास और महानगरास जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, अस्तित्व में आए ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान। वाराणसी, राजगृह, सरवस्ती, कौसंबी, वैशाली, चंपा, उज्जैनी, तक्षशिला, अयोध्या, मथुरा एंड पाटलिपुत्र बर सम ऑफ देम, ठीक है, ये जितने भी मतलब नगर थे ये उनमें से एक थे। बिकॉज ऑफ द एमर्जेंस ऑफ सिटीज दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, द फर्स्ट बींग दैट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, कि क्या है कि इतनी सारी सिटीज जो है जो एग्जिस्टेंस में आई, इतने सारे जो शहर थे, बड़े बड़े शहर जो है उनका निर्माण हुआ, तो उस वजह से इस पीरियड को सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है, मतलब दूसरा शहरीकरण का पीरियड कहा जाता है, और फर्स्ट कौन सा था, हमारा था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। द किंग बिकेम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो राजा थे वो इस पीरियड के दौरान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। ही लेड द आर्मी इन वॉर एंड लेविड टैक्सेस फॉर द स्टेट एंड आल्सो इम्पार्टेड जस्टिस, और जो राजा था वो आर्मी को लीड करता था युद्धों में, लड़ाइयों में, वॉर होता है लड़ाइस, और लेवी टैक्सेस, लेवी होता है थोपना या लगाना, और बहुत सारे कर जो है वो लगाता था अपने राज्य पे, और साथ साथ में वो न्याय भी प्रदान करता था उनको। ही लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेवरल ऑफिशियल्स, जो राजा था
वो कैसे लुकड आफ्टर करता था, मतलब देखभाल करना, लुक आफ्टर होता है देखभाल करना, वो अपने प्रशासन की देखभाल करता था विद द हेल्प ऑफ सेवरल ऑफिशियल्स, कई जो उसके कर्मचारी थे उनकी सहायता से वो अपने प्रशासन की देखरेख करता था। ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड मंत्रिपरिषद एंड द मिनिस्टर्स वर नोन एज अमात्यास और मंत्रीज। ठीक है, उसकी एक मंत्रिपरिषद भी थी, मिनिस्ट्री काउंसिल मतलब मंत्रियों का समूह, ठीक है, जिसको मंत्रिपरिषद कहा जाता था। एंड द मिनिस्टर्स वर नोन एज अमात्यास या मंत्रीज, और जो उसके मिनिस्टर्स होते थे उनको या तो अमात्या कहा जाता था या मंत्रीज कहा जाता था। पुरोहिता, रिलीजियस एडवाइजर, ठीक है, जो पुरोहित होता था, एक पुरोहित भी होता था वहां पे, जो कि क्या होता था, रिलीजियस एडवाइजर, मतलब वो राजा को धार्मिक सलाह जो है वो देता था। एक सेनापति होता था, कमांडर इन चीफ, और एक संग्रहत्री होता था, ट्रेजरर, ठीक है, मतलब जैसे कोई खजाना वहां पे रहता था राजा के महलों में, चाहे वो भंडार, खाद्य भंडार हो या फिर उनका जो आर्थिक भंडार है वो हो, तो एक वो भी होता था। चेरा, चेरा होते हैं स्पाइस, मतलब जासूस, जासूस भी उन्होंने रखे होते थे अपने राज्य में निगरानी रखने के लिए कि कोई जो है वहाँ पे कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे हैं या किस तरह से हमारा प्रशासन चल रहा है उसको देखने के लिए राजा ने जासूस भी रखे हुए थे। एंड द ग्रामीणी, ग्रामीणी था विलेज हेडमैन, ग्रामीणी उन्होंने अपने गाँव में जो है सेलेक्ट किए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किए थे जो कि पूरे गाँव के मुखिया होते थे। वह सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, ये जो है उस राज्य के कुछ महत्वपूर्ण कर्मचारी होते थे। आगे हम सोशल लाइफ देखते हैं। द सोसाइटी वाज, सोशल लाइफ होता है सामाजिक जीवन। द सोसाइटी वाज प्रीमियरली डिवाइडेड इनटू फोर कास्ट, ठीक है, जो सोसाइटी थी, जो समाज था, प्रीमियरली मतलब शुरुआत में उसको डिवाइड किया हुआ था फोर कास्ट में, ठीक है, जातिवाद वहाँ पे था उस टाइम में, तो उन्होंने चार जातियों में जो है समाज को डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट था ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, ये चार जो कास्ट थी उसमें उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। ब्राह्मण में ब्राह्मण आते हैं जो भी मतलब पूजा पाठ करते थे या शिष्यों को या लोगों को जो है वो शिक्षा प्रदान करते थे, धार्मिक कर्मकांड कराते थे, वो ब्राह्मण कास्ट में आते थे। क्षत्रिय होते थे मतलब जो जैसे राजा वगैरह हो गए या जो युद्धों में भाग लेते थे, राज्य की रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय कास्ट में आते थे। वैश्य वो लोग होते थे जो कि व्यापार वगैरह करते थे, और शूद्र वो लोग होते थे जो इन तीनों वर्गों की जो है वो सेवा करते थे या छोटे मोटे काम करते थे। बिसाइड्स दिस देयर वर सेवरल सब कास्ट बेस्ड ऑन प्रोफेशन सच एज कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, चैरेट मेकर, मार्कर्स, गोल्ड स्मिथ, पॉटर्स, ऑयल प्रेसरर्स एंड सो ऑन, ठीक है। इन चार वर्गों के अलावा भी जो छोटी छोटी और सब कास्ट भी थी, उपजातियां भी थी, और वो किसके ऊपर बेस्ड थी, प्रोफेशन के ऊपर। प्रोफेशन मतलब उन्होंने कामकाज कौन सा अपनाया हुआ है, ठीक है, जैसे कि कारपेंटर हो गया, कारपेंटर होते हैं बड़े जो भी फर्नीचर बनाने का काम करते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं, ब्लैक स्मिथ होते हैं लोहार, चैरेट मार्कर होते हैं जो रथ वगैरह बनाते हैं, गोल्ड स्मिथ सुनार, पॉटर्स जो घड़े वगैरह बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं, ऑयल प्रेसर्स जो भी मतलब ऑयल प्रेस ऑयल वगैरह का काम करते हैं, तेल निकालने का काम करते हैं, एंड सो ऑन, और इस तरह से और भी बहुत सारी छोटी छोटी उपजातियां जो हैं वो बनी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली द फ्लेक्सिबिलिटी इन द कास्ट सिस्टम ऑफ द वैदिक टाइम्स वॉज नो लॉन्गर देयर। क्या है कि अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली होता है दुर्भाग्यवश, ठीक है, कि दुर्भाग्यवश क्या था कि जो फ्लेक्सिबिलिटी थी कास्ट सिस्टम में वैदिक टाइम में, ठीक है, जो हमारा पीछे हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी थी मतलब थोड़ी छूट दी जाती थी, इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था मतलब कास्ट सिस्टम, लेकिन ये जो पीरियड था इसमें जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत ही रिजिड था, रिजिड होता है मतलब कठोर था। अब क्या था यहाँ पे, देयर एंड द कास्ट वाज डिटरमाइंड बाय बर्थ। इस पीरियड में क्या था कि जो कास्ट है वो बर्थ से ही डिटरमाइन हो जाती थी, डिटरमाइन होता है सुनिश्चित हो जाना, निश्चित हो जाना, ठीक है, कि कौन किस जाति का है वो बर्थ से ही वो डिसाइड कर देते थे। द पोजिशन ऑफ द शूद्रज हैड बिकम डिग्रेडेड एंड पिटिएबल। क्या है कि जो शूद्र लोग थे, ठीक है, जो फोर्थ इनका ग्रुप था शूद्र लोगों का, इनकी जो पोजीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा निम्न हो गई थी, और पिटिएबल, पिटिएबल होता है दयनीय, मतलब दयनीय उनकी स्थिति हो गई थी। बुद्धा प्रीच्ड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, जो बुद्ध थे उन्होंने जाति प्रथा के विरोध में जो है बहुत सारे उपदेश दिए थे,
पीपल लिव्ड इन विलेजेस एंड सिटीज, जो लोग थे वो गांवों और शहरों दोनों में रहते थे। बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड वाज कंज्यूम, ठीक है, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना जो है वो खाया जाता था। एवरीवन वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द आइडियल मॉरल वैल्यूज इन लाइफ, ठीक है, हर एक से जो है ये एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि जो भी मॉरल वैल्यूज हैं, जो भी नैतिक मूल्य हैं जीवन के, उनको वो फॉलो करे, उनका अनुसरण करे। द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ ए मैन वॉज डिवाइडेड इंटू फोर स्टेजेस, ठीक है, जो एंटायर लाइफ स्पैन था, एंटायर होता है सारा, लाइफ स्पैन मतलब जो भी उसका जीवन चक्र था एक आदमी का, मतलब मनुष्य का जीवन चक्र जो है वो चार स्टेजेस में डिवाइड था। कौन कौन से, जिनको उन स्टेजेस को आश्रम कहा जाता था, ठीक है। फर्स्ट था स्टूडेंट लाइफ, जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता था। सेकेंड हाउस होल्डर, गृहस्थ जिसको कहा जाता था। थर्ड था एंकराइट, जिसको कहा जाता था या रिटायर्ड फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ, मतलब ऐसे लोग जो कि संसारिक जीवन से रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है, मतलब उनको अब जीवन का कोई मोह माया नहीं है, उसको बानप्रस्थ कहा जाता था। और लास्ट होता था असेटिक, असेटिक होते हैं सन्यासी, मतलब सन्यासी जीवन वो बिताते थे, ठीक है। फर्स्ट है ब्रह्मचर्य, मतलब उस टाइम वो सिर्फ विद्या वगैरह ग्रहण करेंगे। सेकेंड है गृहस्थ, मतलब अपनी गृहस्थी की देखभाल करेंगे। थर्ड है जब उन्होंने अपना सारा घर का काम कर लिया, बच्चे सब उन्होंने सेट कर लिया, उसके बाद वो वन के लिए प्रस्थान करते थे। वानप्रस्थ का मतलब होता है वन के लिए प्रस्थान करना, वहां पे पूजा पाठ करना या फिर वहां पे योग साधना करना, वहां पे जाके। और लास्ट होता था सन्यासी, जो मतलब कुछ लोग जो होते थे वो सन्यास को जो है वो सिलेक्ट कर लेते थे अपनी लाइफ के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस पीरियड के जो लोग थे उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उनका आर्थिक जीवन कैसा था। एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर द मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब क्या है कि इनके आर्थिक जीवन में कैसे वो पैसा कमाते थे, इनके लिए एग्रीकल्चर, इनके लिए कृषि और कैटल रियरिंग, रियरिंग होता है पालना, कैटल होते हैं पशु, ठीक है, मतलब कृषि और पशुपालन इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ऑक्यूपेशन होता है इनका काम काज था, ठीक है। पेजेंट्स वाज नॉर्मली द ओनर ऑफ द लैंड, बट लैंड लेस लेबर वाज आल्सो नोन फॉर वर्क ऑन अदर्स लैंड फॉर लिविंग, ठीक है। अब क्या है कि जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान थे, वो अपने लैंड का खुद ओनर होता था, ओनर होता है मालिक, परंतु जो लैंडलेस लेबर थे, मतलब जिनके पास भूमि नहीं होती थी, वो भी वहां पे हम देखे जा सकते थे, जो कि दूसरे लोगों के खेत पे काम करते थे फॉर लिविंग। लिविंग होता है आजीविका कमाना, पैसा कमाना। सेवरल टाइप्स ऑफ सीरियल्स सच एज वेट, राइस, मेज एंड बार्ले एंड अदर क्रॉप्स लाइक सुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, पल्सेस एंड सेवरल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर ग्रॉन, ठीक है, कि जो वो एग्रीकल्चर करते थे उसमें वो क्या क्या उगाते थे, ठीक है, वो विभिन्न तरह के अनाज उगाते थे। सरस होते हैं अनाज, ठीक है, और क्या क्या अनाज उगाते थे, वो उगाते थे गेहूं, चावल, मक्का, जौ और अन्य भी फसलें, क्रॉप्स होती हैं फसलें, जैसे कि सुगरकेन, गन्ना, सीसम होते हैं तिल, मस्टर्ड, सरसों, दालें और अन्य तरह की विभिन्न कई प्रकार की, ठीक है, सेवरल टाइप मतलब कई प्रकार की सब्जियां और फ्रूट उगाए जाते थे। अदर प्रोफेशंस इंक्लूडेड इंडस्ट्रियल क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, ठीक है, और अदर क्या उनके प्रोफेशंस थे, वो उद्योगों में जो है वो क्राफ्ट्स भी बनाते थे, मतलब कुछ और भी कारीगरी करते थे और वो व्यापार भी करते थे। वुड वर्क, पॉटरी, लेदर टैनिंग, शिप बिल्डिंग, वीविंग, गार्लैंड मेकिंग, ब्लैक स्मिथ्री, गोल्ड स्मिथ, आईवी वर्क एंड सेवर अदर प्रोफेशंस वर अडोप्टेड बाई पीपल, ठीक है, कि उस टाइम पे जो लोग थे वो वुडवर्क भी करते थे, वुड लकड़ी का काम, ठीक है, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का काम, लेदर टैनिंग लेदर का काम करते थे, शिप बिल्डिंग जहाज वगैरह बनाते थे, शिप बनाते थे, बीबिंग कातना वगैरह कातना बुनाई भी करते थे, गारलैंड मेकिंग हार वगैरह बनाना, ब्लैक स्मिथ्री मतलब लोहार का काम, सुनार का काम और आइवरी वर्क, आइवरी होता है हाथी का दांत, ठीक है, मतलब हाथी के दांत से जो भी चीजें बनाई जाती थी उसका काम भी वो करते थे। एंड सेवर अदर प्रोफेशंस, और अन्य भी कई तरह के जो प्रोफेशंस थे वो उनके द्वारा अडॉप्ट किए जाते थे, लोगों के द्वारा अडॉप्ट होता है मतलब अपनाना, ठीक है, कि कई तरह के कामकाज वो अपनाते थे। सम पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय फिशिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड एक्टिंग, स्नेक चार्मिंग एटसेट्रा।
कुछ लोग जो थे जैसे कि अर्न अर्न होता है कमाना, देयर लाइवलीहुड मतलब अपनी आजीविका, ठीक है। कुछ लोग अपनी आजीविका फिशिंग से भी करते थे, जैसे कि मतलब मछली पकड़ने का काम, हंटिंग, शिकार, डांसिंग, डांस करना, एक्टिंग, एक्ट करना, ड्रामा करना, स्नेक चार्मिंग होता है सांप का खेल दिखाना, एटसेट्रा इत्यादि। इस तरह से भी लोग अपना पैसा कमाते थे। पर्सन फॉलोइंग द सेम प्रोफेशन ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू यूनियंस और गिल्ड्स कॉल्ड श्रेणीस, मतलब जो लोग सेम प्रोफेशन करते थे, ठीक है, पर्सन होते हैं लोग, जो कुछ लोग थे जो सेम प्रोफेशन करते थे, वो अपना एक ग्रुप बना लेते थे, एक यूनियन बना लेते थे, जिसको कि गिल्ड कहते थे, ठीक है। और उस टाइम में उसको श्रेणीस कहा जाता था, ठीक है। मान लो कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो मिलके जो है सोने का काम कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड का काम कर रहे हैं, तो वो उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली, ठीक है। और उसको वो क्या कहेंगे, जैसे गोल्ड स्मिथ कहेंगे, ठीक है, कि हम जो है मतलब सुनार हैं, ठीक है, जैसे बाकी लोहे का काम है तो लोहार हैं, ठीक है, वो अपनी अपनी श्रेणी बना लेंगे। ईच गिल्ड हैड इट्स ओन प्रेजिडेंट और हेड, ठीक है। प्रत्येक जो श्रेणी थी उसका अपना एक मुखिया होता था, एक अपना प्रतिनिधि होता था, ठीक है। अब आपको समझ आ गया व्हाट इज श्रेणी, ठीक है। ट्रेड वाज कैरीड ऑन बोथ विद इन द कंट्री एंड विद फॉरेन लैंड्स, ठीक है। जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो दोनों जगह होता था, अपने देश में भी होता था और देश के बाहर विदेशी जो भूमि थी वहां पे भी लोगों के साथ व्यापार किया जाता था। देयर वर रोड्स अक्रॉस द कंट्री, मतलब देश के आर पार, मतलब दूसरे देश में जाने के लिए रोड थे, सम ऑफ विच कनेक्टेड विद फॉरेन लैंड्स और शिप पोर्ट्स, ठीक है। इनमें से जो कुछ रोड्स थे वो विदेशी भूमि के साथ भी कनेक्ट करते थे, या फिर विदेशी भूमि के जो सी पोर्ट थे, ठीक है, समुंदर के जो किनारे होते हैं बंदरगाह, उसके साथ भी वो कनेक्ट करते थे। गुड्स वर आल्सो कैरिड थ्रू शिप्स एंड बोट्स इन ओशन एंड रिवर्स। गुड्स होती हैं वस्तुएं, ठीक है, जो वस्तुएं थी वो कैसे ले जा जाती थी दूसरी जगह, दूसरे देश में, शिप्स से, ठीक है, जहाजों से या बोट्स, नावों से, कहाँ कहाँ पे, ओशन के पार या नदियों में, ठीक है, वो नदियों और ओशन में, समुद्र में शिप मतलब जहाज और नावों से जो है वो सामानों को पहुंचाते थे। मर्चेंट्स नोन एज सतवाहा, ठीक है, जो मर्चेंट्स होते हैं, मर्चेंट होते हैं व्यापारी, वो उनको क्या कहा जाता था उस टाइम पे, सतवाहा, ठीक है। वो क्या करते थे, कैरिड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर एंड मूव्ड इन कैरवन्स, ठीक है। और वो जो थे वो वस्तुओं को एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान पे लेके जाते थे इन कैरवन्स, ठीक है। कैरवन्स गाड़ियां होती हैं जिसमें कि सारी सुविधाएं होती हैं, ठीक है। इंडियन गुड्स वर इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज, जो इंडियन गुड्स थे मतलब जो भारतीय वस्तुएं थी उनकी फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड थी, ठीक है। कॉपर एंड सिल्वर क्वाइंस वर यूज्ड फॉर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। अब वहाँ पे व्यापार होता था, ठीक है, तो व्यापार होता है तो पैसे का भी लेन देन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे इस तरह की करेंसी तो थी नहीं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो किस तरह से ट्रांजेक्शंस करते थे, मतलब अदला बदली करते थे मतलब पैसे की, तो उन्होंने कॉपर जो है मतलब जैसे तांबे और चांदी के जो है वो कॉइन्स जो है वो रखे हुए थे, ठीक है। दे वर मोस्टली इरेगुलर पीसेस ऑफ मेटल इन शेप बट ऑफ फिक्स्ड वेट, ठीक है। ये जो कॉइन थे मतलब कह रहा है कि मोस्टली इरेगुलर पीसेस थे ऑफ मेटल इन शेप, मतलब इनकी जो शेप थी वो इरेगुलर थी। इरेगुलर का मीनिंग यहाँ पे ये है कि वो एक जैसे शेप नहीं होती थी हर बार, हर बार वो अलग अलग शेप के होते थे, परंतु उनमें बात क्या थी कि वो सेम वेट के होते थे, ठीक है, कि शेप चाहे कुछ भी बना लो लेकिन वेट उनका सेम ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक 50 ग्राम का सिक्का बनाया है उन्होंने, तो हो सकता है इस बार उसकी शेप कुछ और तरह की हो, अगली बार कुछ और तरह की हो, लेकिन जो वेट है वो 50 ग्राम ही रहेगा। दे वर पंच्ड विद वेरियस सिंबल्स एंड और एंड अ कार्ड पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। इनके ऊपर वो विभिन्न तरह के सिंबल्स जो है वो पंच करते थे, पंच होता है मतलब उसके ऊपर उकेरे जाते थे, ठीक है, और इनको पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता था। पीपल हैड टू पे टैक्सेस ऑन द किंग टू द किंग, ठीक है। जो लोग थे उनको राजा को जो है वो टैक्स पे करना पड़ता था। नॉर्मली 1/6 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज चार्ज एज टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स, ठीक है। किसानों से 1/6 जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब जो भी उन्होंने खेती बाड़ी से पैदा किया है उसका उसका जो छठा हिस्सा है वो राजा को देना पड़ता था। टैक्सेस ऑन इंडस्ट्रियल गुड्स एंड ट्रेड
वर चार्ज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स, ठीक है, कि जो भी टैक्स थे इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, जो भी औद्योगिक वस्तुएं होती थी या व्यापार होता था उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता था, वैल्यू ऑफ द गुड्स, की जो वस्तु है उसकी कीमत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। ओके, आज हम यहीं तक करेंगे। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइज करना है और इसको अच्छी तरह से देखना है। इफ़ यू फाइंड वीडियो यूजफुल देन लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन आल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।